Subscribe this channel, Oxtix Technologies, to get more and more interesting electronic projects, and press this bell icon to get notifications from us. Hello dear viewers, welcome to Oxtix Technologies. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो एम्पलीफायर में किस तरह से ऐड कर सकते हैं. काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि वॉल्यूम कंट्रोल को किस तरह से हम एम्पलीफायर में पुट इन करते हैं. तो गाइस, आज मैं आपको बता देता हूँ. ये हमारे पास एम्पलीफायर की किट है, ठीक है. ये बिल्कुल जो है तैयार है, ये बनी हुई है. अब इसके अंदर जो कमी है वो इस पोटेंशियोमीटर की है, जिसको हम वॉल्यूम कंट्रोल भी कहते हैं. तो गाइस, मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये 50K का मेरे पास पोटेंशियोमीटर है. आप 20K भी यूज़ कर सकते हैं, 100K भी यूज़ कर सकते हैं. इट डजेंट मैटर कि आप कितने के का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. इसके लिए आपने, जैसे आप देख सकते हैं, ये मोनो एम्पलीफायर है, तो इसके लिए मुझे मोनो वॉल्यूम कंट्रोल ही चाहिए. मीन्स के इसकी यहाँ पे 3 legs हैं. अगर ये स्टीरियो होता तो इसके बैक साइड के ऊपर भी 3 और legs होती, तो मीन्स उसकी 6 legs होती. तो गाइस, ये मोनो एम्पलीफायर है, तो इसके अंदर हम जो है यहाँ पे मोनो पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे. सबसे पहले गाइस, आपके पास ये 3 wires के जो हैं पीसीज होने चाहिए. इट डिपेंड्स कि इनकी लेंथ आपको कितनी चाहिए. मुझे इतनी लेंथ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ये जस्ट वीडियो में आपको आइडिया देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ. तो मुझे इसकी लेंथ इतनी नहीं चाहिए, तो इतनी लेंथ मेरे लिए ठीक है. बट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने जहाँ पे भी इसको फिट करना होगा एम्पलीफायर को, जिस भी एम्पलीफायर के साथ आप ये लगाना चाहते हैं, तो जो उसकी लेंथ होगी वो आपने उस हिसाब से सेट करनी है. इसका कोई इशू नहीं होता. तो गाइस, सबसे पहले मैं ये जो 3 wires हैं, इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इन 2 जो मेरी वायर्स हैं वो एक ही कलर की हैं, और जो एक वायर है वो ब्लैक कलर की है. वायर्स के कलर का भी कोई इशू नहीं है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं. बट मैंने एज़ माई, मतलब आप समझ सकते हैं कि एज अ रेफरेंस मैंने इसको ब्लैक वायर को यूज़ किया, क्योंकि मैं इसको ग्राउंड पर यूज़ करूँगा. तो भाई, सबसे पहले जो है मैं इसकी पिन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ. मैं इसको नाम दे देता हूँ. ये पिन नंबर 1 है, ये 2 है, और ये 3 है. तो गाइस, पिन नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा, और जो मेरे हाथ में आप ब्लैक कलर की वायर देख रहे हैं, इसको मैं जस्ट यहाँ पे सोल्डर कर दूँगा. अगर आप ये वीडियो देखते हुए वॉल्यूम कंट्रोल अपने एम्पलीफायर के साथ लगा रहे हैं, तो गाइस जस्ट मेरे जो स्टेप्स हैं उनको आपने फॉलो करना है, और गौर से आपने देखना है कि ये मैं किस तरह से करूँगा. इस बहुत ही सिंपल जो है ये तरीका, लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप इसको देख के साथ साथ कर सकते हैं. बस आपने देख लिया, यहाँ पे जो फर्स्ट पिन थी मेरे वॉल्यूम कंट्रोल की, वो मैंने यहाँ पे लगा दी है. अब इसी तरह से मैं जो ये जो सेकेंड और थर्ड पिन हैं, इनको मैं यहाँ से इनको इधर मैं अटैच कर दूँगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह से मैंने अपनी फर्स्ट पिन को अटैच किया. तो वैसे आपने यहाँ पे देख लिया कि सेकंड पिन को भी मैंने इसी तरह से अटैच कर दिया, और सिमिलरली मैं इस थर्ड वायर को पकड़ूँगा और इसको भी मैं बिल्कुल इसी तरह से ही यहाँ पे अटैच कर दूँगा. तो गाइस, आपने देख लिया कि जो 3 wires थी, मैंने उनको 1 by 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनको अटैच कर दिया. ये ठीक तरह से नहीं हुई, इसको मैं ठीक तरह से कर देता हूँ यहाँ पे सोल्डर, ताकि ये बाद में यहाँ से डिटैच ना हो जाए.
ओके गाइस, ये तीनों वायर्स अब लग चुकी हैं। अब गाइस आपको ये जो 3.5 mm है, ये तो आपने ऑब्वियसली आपको चाहिए होती है हर एम्पलीफायर के अंदर इनपुट देने के लिए अपने किसी भी डिवाइस से। तो गाइस अब इसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ से इसको इसके साथ अटैच करूँगा अपने पोटेंशियोमीटर के साथ। जैसा कि गाइस मैंने आपको पहले बताया कि ये मोनो एम्पलीफायर है, तो इसमें हम जस्ट एक इनपुट यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर या तो इस वाइट वायर को यूज़ करूँगा मैं, या फिर मैं इस रेड वायर को यूज़ करूँगा। सो इट्स माई ऑप्शन। तो गाइस लेट्स से मैं यहाँ पे इस वाइट वायर को यूज़ करता हूँ, नॉट अ बिग डील। गाइस जो ये वाली वायर, थर्ड वाली वायर, आप देख सकते हैं ये ग्राउंड वायर होती है, मीन्स कि ये कॉमन होती है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये स्टीरियो एम्पलीफायर के अंदर आपके पास एक लेफ्ट चैनल होता है, एक राइट चैनल होता है, ठीक है। ये जो आपके पास यहाँ पे रेड कलर की वायर है, ये लेफ्ट चैनल को लेट से जो है वो लेफ्ट चैनल की है, और जो वाइट वाली वायर है लेट से ये राइट चैनल की है, और जो ये वाली आप वायर देख रहे हैं ये वाली वायर जो है ये ग्राउंड होती है, ठीक है। तो गाइस जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसकी फर्स्ट पिन है उसको हमने ग्राउंड रखा है, मीन्स के जो ब्लैक कलर्ड वायर जहाँ पे हमने लगाई थी। अब गाइस मैंने क्या करना है कि यहाँ पे इस वाली जो 3.5 mm की केबल का जो ग्राउंड है ना, इसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा ब्लैक कलर की वायर के साथ। जस्ट इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे सोल्डर कर दूंगा। गाइज आपने देखा ग्राउंड वायर सोल्डर हो चुकी है। और गाइज अब सेंटर वाली वायर को मैंने नहीं छेड़ना, सेंटर वाले पॉइंट को। अब ये जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे मैं ये जो वायर थी मेरी इसको इसके साथ, या तो मैं इसको इसके साथ अटैच कर दूँ, या तो वाइट के साथ या रेड के साथ, या फिर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। तो गाइज मैंने इसको सोल्डर इधर कर दिया है, तो मैं इसको इसके साथ यहाँ पे अटैच कर देता हूँ बस। और अटैच करने के बाद मैं इसको सोल्डर कर दूँगा सिंपली। तो गाइज आपने देख लिया, कनेक्शंस आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कनेक्शन हैं जो मैंने किए हैं। अगर आपको अभी तक कन्फ्यूजन है इसमें तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं मैंने किस तरह से कनेक्शंस किए हैं। तो गाइस अब हमारे पास ये जो दो वायर्स हैं ये बची हैं, और आप जानते हैं कि इस एम्पलीफायर के अंदर जो इनपुट होती है मोनो एम्पलीफायर के अंदर वो भी दो ही जाती हैं। तो गाइस यहाँ पे ब्लैक कलर्ड वायर जो थी वो मैं इसकी ग्राउंड में दे दूँगा इनपुट में, और जो ये ब्राउन कलर आप वायर देख रहे हैं ये मैं इसकी इनपुट जो इसकी है चैनल की इनपुट है वहाँ पर इसको मैं इंसर्ट कर दूँगा। तो गाइस ये हमारा जो है पोटेंशियोमीटर ऐड हो जाएगा इसके अंदर। गाइस जस्ट मैं अपने जो कनेक्टर है उसके अंदर इसको ऐड करने लगा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड इट हियर। और ग्राउंड की जगह के ऊपर मैं यहाँ पे ग्राउंड को इंसर्ट कर दूंगा। तो कैसे हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो इसके साथ ऐड हो चुका है। ये मेरे पास 3.5 mm की केबल है जो मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस, ये जो हमने अभी इसको अटैच किया इसके साथ, अब हम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो सर्किट है ये हमने ऑन कर दिया पोटेंशियोमीटर ऐड करने के बाद, यानी कि वॉल्यूम कंट्रोल को ऐड करने के बाद। ये मोबाइल फ़ोन मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है और एम्पलीफायर इस वक्त ऑन है, और इस वक्त ये आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वॉल्यूम कंट्रोल बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर है। तो गाइस मैं वॉल्यूम कंट्रोल को जस्ट पकड़ूंगा और यहाँ से इसके जो वॉल्यूम है उसको जस्ट इंक्रीज़ करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे साउंड आएगा, आप देख सकते हैं साउंड आ रहा है यहाँ पे। Yeah.
गाइस आपने देखा कि वॉल्यूम कंट्रोल ऐड करना कितना सिंपल था, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते थे। गाइस अगर आपको अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा, जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी वो दूर कर दी जाएगी आपको कमेंट में रिप्लाई करने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।